हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है ये। तो इसकी मैं इधर की जो चैप्टर है ना, इधर ये है चैप्टर 2, तो इसको मैं सारा एक्सप्लेन की हूँ अपने चैनल पे, ये चैप्टर 2। तो ये इसका जो ये एक्सरसाइज 8 है, इसको मैं आज यहाँ पर बताऊँगी। ओके, तो इसको देख लेते। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स को, और मैंने इधर ये मतलब इधर बताया था, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैं इधर बता के और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी। तो चैप्टर 8 हम लोग फिर से देख लेते हैं क्या है इसमें। तो एक्सरसाइज 8 गिवन बिलो आर 5 ग्रुप्स ऑफ सेंटेंस। ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 सेंटेंस, वन ऑफ विच इज अनएक्सेप्टेबल क्रॉस द सेंटेंस विच इज अनएक्सेप्टेबल एंड रीराइट इट करेक्टली। ओके, तो अब इसको हम लोग पहले देखेंगे कि कौन सा इसमें से गलत है, और जो गलत है उसको हम लोग करेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 में है, दे आर हैविंग देयर डिनर। नेक्स्ट है, दे आर फुल्ली अग्रीइंग टू आवर प्रपोजल। शी इज थिंकिंग हार्ड ऑन दिस इशू। दिस ड्रम इज कंटेनिंग वेरी लिटिल ऑयल। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, नहीं सॉरी, ये नंबर 2 का है। ये तीनों में से कौन सा गलत है हम लोग देखेंगे। तो ये थर्ड वाला गलत है, शी इज थिंकिंग हार्ड ऑन दिस इशू। तो इसको हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे शी इज थिंकिंग वेरी हार्ड। ये जो यहाँ पर हार्ड है ना, तो यहाँ पर होगा वेरी हार्ड। अब नेक्स्ट है, दिस ड्रम इज कंटेनिंग वेरी लिटिल ऑयल। नेक्स्ट है, आर यू श्योर यू आर नॉट फॉरगेटिंग सम पॉइंट्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटेंड टुमारोज रिहर्सल। ये नंबर 2 का है। तो नंबर 2 में जो रॉन्ग है वो नंबर ए वाला है, दिस ड्रम इज कंटेनिंग वेरी लिटिल ऑयल। इसमें होगा दिस ड्रम कंटेंस, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको हम लोग लेंगे, तो दिस ड्रम के बाद वर्ब में हम लोग एस लगा देंगे, क्योंकि दिस ड्रम ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एस लगा देंगे। तो दिस ड्रम कंटेंस वेरी लिटिल ऑयल। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे क्या है। आर यू लिसनिंग टू द टॉक केयरफुली। आर यू स्टिल हैविंग प्रॉब्लम्स विद ज्योमेट्री। आई एम डाउटिंग द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो अब इसमें सेकेंड नंबर का होगा, आर यू स्टिल हैविंग प्रॉब्लम विद ज्योमेट्री। तो इसको हम लोग सही कैसे बनाएंगे, आर यू स्टिल एनी प्रॉब्लम्स विद ज्योमेट्री। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे, दिस मेडिसिन टेस्ट बीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग वट आई एम एक्सप्लेनिंग। शी वेट्स 43 kg। तो नंबर बी का होगा, इसमें आर यू अंडरस्टैंडिंग है ना, तो डू यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, डू यू अंडरस्टैंड वट आई एक्सप्लेन, यहाँ एम भी नहीं होगा और एक्सप्लेनिंग भी नहीं होगा, यहाँ एक्सप्लेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डू यू अंडरस्टैंड वट आई एक्सप्लेन, और फिर क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट देख लेंगे नंबर 5, डू यू हियर एनी अनयूजुअल साउंड। नंबर बी, शी इज नॉट बिलीविंग इन गॉड। नंबर सी, She appears to have lost something. तो इसमें हम लोग सेकेंड नंबर का देख लेंगे, सेकेंड नंबर का जो गलत है तो वो क्या सही होगा उसमें, She does not believe in God. वो God पे believe नहीं करती, तो she के बाद does लगेगा, क्यों, क्योंकि जो singular subject होता है ना, और उसके बाद जो verb आता है उसमें s और es लगता है, तो she क्या है, singular subject है, तो verb में हम लोग s लगा, तो do क्या है, verb है, उसमें हम लोग es लगा दिए, तो फिर ये क्या मतलब क्या हो गया, ये पूरी तरीके से सिंपल प्रेजेंट को बता रहा है, कि किसी की आदत को बता रहा है, किसी के हैबिट को बता रहा है। ओके, तो फिर आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।